एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ मैं वंदना मलकायन नायर। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप 24 फरवरी को कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं या सफ़र पर जाने का सोच रहे हैं तो आप अपना जो है प्लान को चेंज कर दें। पूरी वीडियो देखें। सबसे पहले आज यहाँ पर एक बड़ी पत्रकार वार्ता ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, और यहाँ पर जम्मू के जो ट्रांसपोर्टर प्रेसिडेंट है वो भी मौजूद है, साथ ही साथ कश्मीर के प्रेसिडेंट जो है वो भी मौजूद हैं। दोनों से बातचीत करेंगे कि आखिर 24 को किस तरह से ये बसेस को बंद करेंगे या ट्रांसपोर्ट को, पूरा चक्का जाम की जो है वो इन्होंने कॉल दे दी है, इनकी तरफ से जो है चक्का जाम की कॉल है। तो बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? नमस्कार मैम, आप देखिए आज जो हम इकट्ठा हुए हैं सारे ट्रांसपोर्टर, तो सरकार ने हमें मजबूर किया क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से हमने टाइम टू टाइम स्ट्राइक की, 1-day टोकन स्ट्राइक। पिछली 6 तारीख को हमने एक 1-day टोकन स्ट्राइक दी थी, और उसी दिन शाम को सरकार से मैसेज आया कि हम दो तीन दिन में आपके मसले हल कर देंगे। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, अब 1 महीने से ऊपर हो गया तो हम इनके खाली वो वेट करते रहे कि आज हमारी मीटिंग बुलाएंगे, कल, बीच में हमने मेमोरेंडम भी दिए। तो आज नौबत जहां तक पहुंच गई कि आप देखिए डीजल के जो दाम हैं, जब इन्होंने 2018 में किराया बढ़ाया था तो तब 65 रुपये के करीब डीजल के दाम थे, और आज आप देखिए 85-100 रुपये को टच कर रहा है डीजल और पेट्रोल हमारी स्टेट में। तो सभी हम जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, जितने भी ग्रुपों के प्रधान हैं, हमने परसों मीटिंग की, और उसमें हमने फैसला लिया कि ये बात सरकार हमारी सुनने वाली नहीं है। आप देखिए परसों, कल भी हमने पेपर न्यूज़ दी थी, परसों भी दी थी, क्या सरकार के पास टाइम नहीं है ट्रांसपोर्टरों के लिए? तो लिहाजा थक के हमने ये फैसला लिया, 24 तारीख बुधवार से हम लखनपुर से लेके उड़ी तक और कश्मीर से लेके लद्दाख तक जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो बंद रहेंगी। और ये जो बंद है इसके हमें 3 डिमांडें हैं, हम कोई ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो जेन्युइन डिमांड है, एक तो जो किराए की हाइक चाहिए हमें, क्योंकि आप 65 रुपये और आप देखिए 85 के करीब डीजल है तो 20 रुपये से ऊपर पर लीटर डीजल बढ़ा है, और ऊपर से इन्होंने जो इस लॉकडाउन में हमारे जो टैक्स थे वो दुगने किए। तो हमारी 3 ही डिमांडें हैं इसमें कि हमारे जो टैक्स हैं वो कम किए जाएं, और 1 साल जो हमारी गाड़ी खड़ी रही है, ना तो हम बैंक को किस्तें दे पाए और ना ही हम उन गाड़ियों के कागज़ रिन्यू कर सके। आप देखिए खड़ी गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो खड़ी हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि बड़ी बस की इंश्योरेंस 1,00,000 रुपये के करीब आती है, और मेटाडोर की जो है वो तकरीबन आधे पैसे में, 50,000 में। तो जब मेरे पास खाने के लिए उस दौरान पैसे नहीं थे तो मैं टैक्स कहाँ से भरूंगा? सरकार की तरफ से आपको कोई भी मदद नहीं आई, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो क्या आपका साथ उस वक्त किसी ने नहीं दिया? हमारे प्रधानमंत्री का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब जो साबित हो रहा है वो हो रहा है सबका साथ सबका सत्यानाश, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है ट्रांसपोर्टरों का इस कोरोना के दौरान ट्रांसपोर्टरों का ही हुआ है। दुकानदार ने अपनी दुकान शटर उठा के और वो अपना सामान बेचा, लेकिन हमारी गाड़ी खड़ी रही, हमारे जितने भी ड्राइवर साहबान थे, कंडक्टर साहबान थे, उनकी जो दूर दिशा हुई बेचारे, अगर देखिए उन्होंने बेचारों ने रेड़ियाँ लगाई, किसी ने बेचारे ने अपना पेट पालने के लिए मजदूरी की, पर सरकार ने हमें झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं दिया। आप अभी देखिए इतनी महंगाई हो चुकी है, हमें कोई सरकार कोई अपनी तरफ से कुछ देने वाली नहीं है। हमारा जो जेन्युइन जो डिमांड हमारी बनती है, आप किराया बढ़ाइए, नहीं तो ये जो स्ट्राइक है इंडेफिनेट स्ट्राइक है हमारी। मैं मीडिया की माध्यम से गवर्नर साहब से भी अपील करूंगा, आप सोचिए, उठिए नींद से, जागिए, क्योंकि हमारी जेन्युइन डिमांड है, हम कहीं आपसे भीख नहीं मांग रहे, तो लिहाजा हमारी तरफ ध्यान दीजिए ताकि ये जो सिस्टम हमारा है ट्रांसपोर्ट का ये चल सके।
पहले के मुताबिक और अब के मुताबिक किस तरह से नुकसान या फ़ायदा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद सरकार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को काफ़ी फ़ायदे होंगे, किस तरह से आप यहाँ पर टिप्पणी करें? जम्मू कश्मीर जब से यूटी बनी है ना, हमें इन्होंने कुछ दिया है, हमसे लिया ही है, दिया कभी नहीं। कश्मीर में इससे बदतर हालात है, वहाँ कश्मीर में इससे बदतर हालात है, वहाँ पर रोज़ रोज़ हड़तालें होती है, हमारी गाड़ी साल में 35,000 किलोमीटर चलती नहीं है, बाहर के स्टेट में गाड़ियाँ 500 किलोमीटर झनका निकालती है और साल का वो 1,80,000 किलोमीटर निकालती है, उनको 15 साल, हमारी गाड़ी 25,000 से 30,000 किलोमीटर निकालती है, हमारी गाड़ी को भी 15 साल, उनकी गाड़ी को भी 15 साल, ये जुल्म नहीं है और क्या है? टोल टैक्स डबल किया है, हम कहाँ से लाए? टोकन टैक्स डबल किया, हम कहाँ से लाए? बेकार पड़े हैं। यानी यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर को सिर्फ टोल प्लाजा जो है वो मिले हैं तोहफे के रूप में, जिससे ट्रांसपोर्टर्स को काफ़ी परेशानी आ रही है। खून चूस रहे हैं हमारा गरीब ड्राइवरों का, क्लीनरों का, ट्रांसपोर्टर, हमारे पास बाहर की तरफ हमारे पास 100-200 गाड़ियाँ नहीं है, जम्मू कश्मीर में सिर्फ किसी के पास 2 गाड़ी 4 गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू में 10 गाड़ी किसी के पास होगा, हमारे पास 150-200 गाड़ियाँ नहीं है, जिस तरह बाहर के स्टेटों में हज़ारों गाड़ियाँ 200-200 गाड़ियाँ होती है। नितिन गडकरी जी को देखना चाहिए कि यहाँ कश्मीर के हालात कैसे हैं, यहाँ के ट्रांसपोर्टरों का हालात क्या है, यहाँ ये 15 साल दे रहे हैं कि यहाँ इतनी गाड़ी नहीं चल रही है, हमारी गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 किलोमीटर निकालती है और वहाँ पर 500-600 किलोमीटर जाती है दिन का गाड़ी। 24 को आप चक्का जाम की कॉल दे रहे हैं, अगर फिर भी सरकार आपकी तरफ ध्यान नहीं देती तो आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा? हम पूरा बंद रखेंगे, हम अपने बाल बच्चों को सड़कों पर लाएंगे, हम सड़क पर धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी हमसे होगा हम नहीं, ये हड़ताल करना, स्ट्राइक करना हमारा हक है, हम पेट के लिए हड़ताल करते हैं, रोजी के लिए, हम रोटी के लिए, हम किसी सियासी लड़ाई में नहीं पड़े हैं, हम अपने पेट के लिए, ट्रांसपोर्टर सड़क पर आ गया अपनी पेट के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, हमारी स्ट्राइक अपने बाल बच्चों को रोटी देने की है, हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारे मसले 2 दिन के अंदर हमें मजबूर ना करें गैर मुआयना अरसे के लिए हड़ताल के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि आज ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से एक बड़ी पत्रकार वार्ता को किया जा रहा है, जिसमें जम्मू के प्रेजिडेंट भी मौजूद हैं, कश्मीर के प्रेजिडेंट भी मौजूद हैं और आप इस साइड भी अगर देखें तो काफ़ी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह को मद्देनज़र रखते हुए आप देखें ये बड़ी पत्रकार वार्ता। और 24 तारीख को अब आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो आप उस दिन ना जाएं, आप उससे पहले जाएं या उसके बाद, क्योंकि चक्का जाम की कॉल जो है अब इनकी तरफ से दे दी गई है। कमर्शियल जितनी भी व्हीकल्स हैं वो बंद रहेंगी, तो आप लोग जब जाएँ तो बिल्कुल आराम से जाएँ, इससे पहले जाएँ या इसके बाद जाएँ, यह हम आपको स्पिरिट न्यूज़ के माध्यम से खबर दे रहे हैं। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाइन नायर को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।